आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। विजय जरा तस्वीरें दिखाइए किस तरीके से वाटर स्प्लिकिंग मशीन जो है उनको दिल्ली सचिवालय से रवाना किया गया है और इसके पीछे का मकसद क्या है बताने के लिए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय खुद हमारे साथ मौजूद हैं। गोपाल जी, क्या कैंपेन आपने शुरू किया है? दिल्ली के अंदर जिस तरह से बारिश के बाद जो डस्ट के पोल्यूशन था वो काफ़ी कम हुआ, अब दोबारा दिवाली में जिस तरह से पटाखे जले और प्रदूषण का स्तर बढ़ा है, अब ऐसे में हवा की गति कम होने से ये स्थिति बनी हुई है कि अगले कुछ दिनों तक जो है ये स्थिति जो है इसी तरह से रहेगी। इसको देखते हुए आज से 70 एंटी स्मॉग गन लॉन्च किए गए हैं जो दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों में जा करके जो है ये पानी के छिड़काव का काम करेंगे। आपने दर्शकों को बता दें कि 60 पहले से मौजूद थे, 70 और एड ऑन किए, 130 हो गए। ये हॉट स्पॉट्स पे जो है ये पहले से जो है स्मॉग गन काम कर रहे हैं, अब ये 70 विधानसभा क्षेत्रों के लिए अलग अलग विधानसभा के लिए 70 लॉन्च किए गए। कितना कारगर है, क्योंकि कुछ फुट तक तो ये कर सकता है लेकिन जो ऊपर चादर है उसको कैसे? नहीं, ऊपर की चादर को नहीं, ये नीचे जो डस्ट का जो पोल्यूशन होता है उसको ये कंट्रोल करता है। अब जब पटाखे की बात चली, आपने आरोप लगाया बीजेपी के नेताओं ने प्रमोट किया, फुड़वाए, वो कह रहे हैं कि आप केवल उन पर आरोप लगाते हैं, पंजाब की पराली को लेकर बात नहीं करते हैं। नहीं, पंजाब की पराली हम कम कर रहे हैं। देखिए, दो पार्टी है, एक पार्टी आम आदमी पार्टी की सरकार है जिसने पंजाब में पराली 60% कम कर दिया, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसने पटाखे जला करके 200 जो प्रदूषण का स्तर था 350 पहुंचा दिया। तो हम तो कम करने में लगे हैं। भाजपा के लोगों से भी निवेदन है कि तीन तीन सरकारें हैं, केंद्र में आपकी सरकार, यूपी में आपकी सरकार, हरियाणा में आपकी सरकार, प्रदूषण कम करने का कोई तो काम करो, कुछ भी तो करो भाई। प्रदूषण कम करने के लिए कह रहे हैं जी पंजाब में पराली जल रही है इसलिए हम यहाँ पटाखा फोड़ेंगे, कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार में सेस का पैसा है इसलिए हम पटाखे फोड़ेंगे, कह रहे हैं 10 दिन पहले प्रदूषण था इसलिए हम पटाखे फोड़ेंगे। आपने सेस का जिक्र किया तो कह रहे हैं 1481 करोड़ रुपया वसूला था, 700 करोड़ तो आपने वहाँ पेमेंट कर दी, बाकी 700 करोड़ बचा हुआ है अभी। नहीं, तो और भी काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब उनको पटाखा फोड़ने की छूट मिल गई क्या? और पैसे इस्तेमाल क्यों नहीं हो पा रहा, सवाल ये भी है। इस्तेमाल हो रहा है, चूंकि सेस का पैसा सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इस्तेमाल होता है, तो उस जो जो जरूरत है जहाँ जहाँ आदेश मिलता जा रहा है इस्तेमाल कर रहे हैं। एक पर्व तो संपन्न हो गया है, दूसरा पर्व आ रहा छठ का, उसको लेकर कांग्रेस ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं कि यमुना तट पे तो आपने, क्योंकि कोर्ट का हवाला देकर आप वहां से तैयारी होने नहीं दे रहे, रोक लगा दी है, उसकी तैयारी मुकम्मल आप नहीं कर पा रहे हैं, आरोप है। देखिए, दिल्ली के अंदर हम पहले 50-60 जगह पे छठ पूजा होती थी, हमारी सरकार आने के बाद 1000 से ज्यादा जगहों पे पूरे दिल्ली में छठ पूजा की तैयारी चल रही है और धूमधाम से छठ पूजा मनाएंगे। मेरा आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि AQI अभी 400 करीबन पहुंच गया और आपने कल मुझसे बात करते हुए कहा था कि 450 हो जाएगा तो इवन और लगाया जा सकता है, तो क्या उस ओर हम बढ़ रहे हैं? देखिए, अभी जो CPCP का डाटा है वो AQI का स्तर 361 है और सभी परिस्थितियों पर मॉनिटर कर रहे हैं, आगे जो जरूरी कदम होगा वो सारे कदम उठाएंगे। लेकिन हम बढ़ रहे हैं ना उस तरफ? नहीं, अभी हम मॉनिटर कर रहे हैं, अगर परिस्थितियां बनती हैं तो हम निर्णय लेंगे। शुक्रिया। तो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री जिन्होंने इस तरीके की आपको तस्वीरें दिखाएं, एंटी स्मॉग गन की शुरुआत जो है यहाँ से की है, हालांकि पहले भी जो है जो हॉटस्पॉट एरियाज थे 13 उनमें 60 ऐसी एंटी स्मॉग गन कार्य कर रही थी, लेकिन अब हर विधानसभा जो दिल्ली की विधानसभा है उनमें भी इनको यहाँ से जो 70 की 70 है उनमें इस तरीके से रवाना किया गया है और अब इस तरीके की जो एंटी स्मॉग गन है ये उन इलाकों में जाएंगी और जो धूल है उसको मिटाने का काम करेंगी। दूसरी तरफ जो AQI की बात है उसका जो है स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और अगर ये 450 को पार करता है तो दिल्ली सरकार दिल्ली में इवन ऑड स्कीम को लागू करने के बारे में सोच सकती है। अपने डिस्ट्रिक्ट की विजय मंगमई के साथ जितेंद्र भाटी, मैं बतोश दिल्ली।